अब चेंज करने के बाद बात आती है कि हमारे पास जो फॉर्म डेटा है, मतलब कि हमारे पास जो पिवट लगा हुआ है और जो हमारा डेटा है, तो मान लीजिए कि कोई नया बंदा इस पिवट को देखेगा तो देखेगा कि हमारे डेटा में कहीं क्वांटिटी टोटल, कहीं जीएसटी आईएनसी का फील्ड ही नहीं है, तो फिर पिवट टेबल में किस तरह का फील्ड है। तो अगर आपको जानना है कि ये जो टोटल है जीएसटी आईएनसी जो कैलकुलेटेड फील्ड है, इसकी कैलकुलेशन क्या है, किस तरह की कैलकुलेशन की गई है, तो उस केस में हमें पिवट टेबल एनालाइज में जाना होगा, फील्ड आइटम सेट में जाना होगा, यहीं पे आपको दिखेगा लिस्ट फॉर्मूला। इस लिस्ट फॉर्मूला पे क्लिक करें तो एक नई सीट के ऊपर आपको सारे कैलकुलेशन पता चल जाएंगे कि क्या क्या कैलकुलेशन की गई है। समझ में आ गया आपको सर?